उरी डायरेक्टर आदित्य धर की मेगा बजट मूवी इमोर्टल अश्वत्थामा काफी लंबे समय से प्री प्रोडक्शन स्टेज पर ही अटकी पड़ी है। फिल्म द इमोर्टल अश्वत्थामा का ऐलान कोरोना काल में विक्की कौशल के साथ ही हुआ था। उरी हिट होने के बाद आदित्य और विक्की ने दोबारा साथ में काम करने का फैसला किया था, लेकिन बजट इशू के चलते मूवी कभी फ्लोर पर नहीं आ पाई। फिल्म द इमोर्टल अश्वत्थामा को सबसे पहले रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन कोरोना काल खत्म होने के बाद लगातार फ्लॉप होती बॉलीवुड मूवी की लिस्ट को देखकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसके बाद डायरेक्टर आदित्य धर ने जियो सिनेमा का रुख किया, जो इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाला था। जियो सिनेमा ने बस एक शर्त रखी थी कि आदित्य धर को लीड एक्टर के रूप में कोई बैकेबल स्टार लेना होगा, ताकि इस फिल्म का खर्च रिकवर करने में परेशानी ना हो। इसके बाद आदित्य धर ने साउथ स्टार अल्लू अर्जुन से बात की, जो इस प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि आदि पुरुष का हाल देखकर उन्होंने द इमोर्टल अश्वत्थामा जैसी फैंटी ड्रामा ना करने का फैसला किया। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो अल्लू अर्जुन ने आदि पुरुष का खराब प्रदर्शन देखकर फैसला लिया है कि वो द इमोर्टल अश्वत्थामा में काम नहीं करेंगे। अल्लू अर्जुन के इस फैसले के बाद द इमोर्टल अश्वत्थामा हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई है। ट्रेड पंडितों की माने तो द इमोर्टल अश्वत्थामा अब कभी भी फ्लोर पर नहीं जाएगी, क्योंकि कोई भी बड़ा अभिनेता इसमें काम करना नहीं चाहता है और बिना बड़े अभिनेता के निर्माता इस मेगा बजट मूवी को फ्लोर पर ले जाने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि आदित्य धर का अगला कदम क्या होगा। क्या वो द इमोर्टल अश्वत्थामा के लिए नया स्टार तलाशेंगे या फिर किसी दूसरे विषय पर मूवी बनाएंगे? आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।